गुरुद्वारा श्री हरमंदर साहिब, श्री पटना साहिब, श्री हेमकुंड साहिब, इन गुरुद्वारे के बारे हम सब जानते हैं। इनसे जुड़े इतिहास के बारे शायद हम सबको पता भी हो, पर आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसे गुरुद्वारा साहिब के बारे बताएंगे, उनसे जुड़े इतिहास, कहानियाँ, साखियाँ आपके साथ शेयर करेंगे, जिनके बारे शायद आपको ना पता हो। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे गुरुद्वारा शेरगढ़ साहिब की। ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहस और वीरता का प्रतीक है। ये गुरु गोविंद सिंह जी के सम्मान में बनाया गया था। ये गुरुद्वारा साहिब हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है, जो गुरुद्वारा श्री पौंटा साहिब जी से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। माना जाता है कि एक दिन गुरु जी ने नाहन के राजा मेदिनी प्रकाश और गढ़वाल के राजा फतेह शाह के साथ एक बैठक की। पास के गांव के एक ग्रामीण ने उनसे संपर्क किया और एक आदमखोर शेर से ग्रामीणों की जान बचाने का विनम्र अनुरोध किया, जिसने कईयों को मार डाला था। किसी ने भी अब तक शेर का सामना करने या उसे मारने की हिम्मत नहीं की थी। इस ग्रामीण के अनुरोध पे गुरुजी ने वहाँ के राजा और उनके सैनिकों के साथ एक संयुक्त अभियान चलाया। गुरुजी बहेड़ा के पेड़ के नीचे पहुँचे, जहाँ शेर अपने निवास स्थान में था। गुरुजी ने शेर को मारने की योजना बनाई। शेर ने गुरुजी को देखा और अपना सिर झुका लिया और कुत्ते की तरह अपनी पूंछ हिलाने लगा। तब गुरुजी ने शेर से कहा, एक शेर होने के नाते तुम एक कुत्ते की तरह व्यवहार कर रहे हो। तुम शेरों के गौरव को क्यों अपमानित कर रहे हो? एक शेर बनो। गुरुजी के इन शब्दों को सुनकर शेर उठ खड़ा हुआ और भयंकर तरह से गरजा। पेड़ों पर बैठे पक्षी डर गए, जंगली जानवर भाग गए, दोनों राजा और सैनिक घबरा गए। कुछ ही क्षणों में शेर कूद गया और गुरुजी पर एक घातक हमला किया। गुरुजी ने उसकी बाईं बांह को ढाल पर टिका दिया और फिर गुरुजी ने अपनी तलवार से कुछ इस तरह वार किया कि शेर बीच से दो टुकड़ों में कट गया। ये गुरुद्वारा गुरुजी के इस महान कार्य को याद करते हुए बनाया गया है। अब हम बात करेंगे गुरुद्वारा बड़ी संगत साहिब जी की। यह गुरुद्वारा साहिब बंगाल के कोलकाता शहर में स्थित है। गुरुद्वारा बड़ी संगत साहिब का ऐतिहासिक महत्व है। माना जाता है कि गुरु नानक देव जी ने अपनी पहली यात्रा के दौरान 2 जनवरी 1510 को इस स्थान का दौरा किया था। उनकी यात्रा के दौरान पूरा क्षेत्र महामारी के तहत था और लोग पीड़ित थे। वे गुरु नानक देव जी के दिव्य उपचार शक्तियों से ठीक हो गए और उन्होंने इस पवित्र स्थान पर गुरु की संगत की स्थापना की। गुरु जी यहाँ 12 दिन तक रुके। माना जाता है कि गुरु नानक देव जी के बाद गुरु तेग बहादुर साहिब जी अपनी आसाम से वापसी यात्रा पर अप्रैल 1668 में स्थान पर गए और गुरबानी शब्द हर की गत न कोई जाने का पाठ किया और स्थापित गुरु की संगत को धार्मिक कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए और नियमित रूप से 24 घंटे गुरु का लंगर का आयोजन करे ऐसा निर्देश दिया। ये ऐतिहासिक स्थान 2 सिख गुरुओं के द्वारा धन्य है। अब हम बात करेंगे गुरुद्वारा चादर साहिब की। ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा नर्मदा नदी के तट पे गुजरात के भरूच शहर में है। इस गुरुद्वारा साहिब को पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी की याद में बनाया गया था। माना जाता है कि इस जगह से होते हुए गुरु जी उत्तर दिशा के तरफ अपनी यात्रा में गए थे। यहाँ के राजा का हुक्म था, कोई भी रात में नर्मदा नदी पार नहीं करेगा। गुरुजी जब अपने संगी भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी के साथ भरूच पहुँचे तो उन्होंने वहाँ के साधु मंडली को सच का उपदेश दिया। फिर वो वहाँ से नदी के पास गए और वहाँ बैठे एक मल्ले से कहा कि नदी पार करवाए। राजा के आदेश के वजह से मल्ले ने नदी पार करवाने से इनकार कर दिया। जब मल्ला नहीं माना तब गुरुजी ने भाई मर्दाना जी को हुक्म दिया कि वाहे गुरु का नाम लो और यहाँ चादर बिछाओ। भाई मर्दाना जी ने वाहे गुरु का नाम लेकर वहाँ चादर बिछा दिया। गुरु जी भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी के साथ उस चादर पे बैठ गए और उन्होंने नदी पार कर ली। जब इस घटना के बारे वहाँ के राजा को पता चला तो वो गुरु जी के पास गया और उनके चरणों में
अपना नमस्कार किया। आज इस जगह पे गुरुद्वारा चादर साहिब स्थित है। अब हम बात करेंगे गुरुद्वारा बरछा साहिब की। यह ऐतिहासिक गुरुद्वारा आसाम के धुबरी जिले के एक छोटे से गांव धानपुर में स्थित है। गुरु नानक देव जी 16वीं शताब्दी में यहां अपनी एक यात्रा के दौरान कुछ समय रुके थे। उस समय वहां के स्थानीय लोग कामाक्षी देवी की पूजा एक मंदिर में करते थे जो वहां स्थित था। आसाम का ये क्षेत्र कामरूप क्षेत्र की रानी नूर शाह के नियंत्रण में था। कामाक्षी देवी का ये मंदिर काले जादू का अभ्यास कराने वालों के अंतर्गत था। दिलचस्प बात यह है कि रानी उन दिनों की प्रसिद्ध जादूगर थी। गुरु नानक देव जी ने इस बात पर चिंता जताई और खुशी प्राप्त करने के लिए भगवान का नाम जपने की वकालत करते हुए उसे जादू छोड़ने की सलाह दी। रानी ने ये महसूस करते हुए कि गुरु नानक देव जी भगवान के प्रतिनिधि हैं, उनको सकारात्मक जवाब दिया। एक घटना में उसने पाया था कि उसका जादू गुरु जी को प्रभावित करने में विफल रहा था। ऐसा माना जाता है कि इस घटना के बाद रानी नूरशाह और उनकी प्रजा मोक्ष पाने के लिए गुरु के अनुयायी बन गए। रानी ने गुरु जी से अनुरोध किया कि वे अपने कुछ सामानों को स्मृति चिन्ह के रूप में छोड़ दें ताकि रानी उस भूमि पर उनकी यात्रा को चिन्हित कर सके। कहानी ये है कि गुरु नानक देव जी ने अपना बर्छा जो वो अपनी यात्रा में जंगल में ले जाते थे वो यहाँ छोड़ दिया और गुरु जी ने अपने बर्छे का उपयोग करते हुए एक स्थान भी चिन्हित किया जहाँ वे चाहते थे कि एक तालाब खोदा जाए। इस स्थल के पास निर्मित तीर्थ स्थल अब गुरुद्वारा बरछा साहिब है। अब हम बात करेंगे गुरुद्वारा गुरु नानक धाम साहिब के बारे में। गुरुद्वारा गुरु नानक धाम साहिब तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर में स्थित है। गुरु नानक देव जी अपनी दूसरी यात्रा सन 1511 ईस्वी में श्रीलंका में एक साल रुकने के बाद 1512 ईस्वी में रामेश्वरम पहुँचे। इस जगह गुरु जी अपने भक्त हरिदास से मिलने आए। हरिदास की बहुत इच्छा थी कि वो इस कलयुग में किसी महापुरुष संत के दर्शन करे और उसका उद्धार होए। भाई मर्दाना जी ने श्री गुरु नानक देव जी से कहा, महाराज जी आपका भक्त हरिदास बहुत बेसब्री से आपके दर्शन पाने का इंतजार कर रहा है। भक्त हरिदास को गुरु जी के दर्शन दीदार पाने पे बहुत खुशी हुई और उन्होंने गुरु जी को वहाँ रहने के लिए कहा। गुरु नानक देव जी यहाँ 21 दिन रुके और इस दौरान संगत गुरु जी के दर्शन के लिए आए। इस बीच रामनाथ का राजा यहाँ से गुजर रहा था जब एकाएक उनके घोड़े रुक गए। राजा ने अपने सारथी से पूछा, घोड़े क्यों रुक गए? तब सारथी ने उन्हें बताया कि यहाँ एक महापुरुष आए हैं और आप भी उनके दर्शन कर लीजिए। तब राजा गुरु नानक देव जी से मिलकर बहुत खुश हुए और जाते वक्त उनको धन्यवाद दिया और वो जमीन उनके नाम कर दी। आज उसी जगह ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। उन 21 दिनों में वहाँ के लोगों ने गुरु जी से प्रार्थना की कि गुरु जी ये जगह एक छोटा सा टापू है और चारों तरफ सिर्फ समंदर है, यहाँ का पानी पीने योग्य नहीं है। उन्होंने गुरु जी से विनती की कि गुरु जी हमारा उद्धार करो। गुरु जी ने उनसे कहा एक कुआं खोदो। सारी संगत ने मिलकर वहाँ एक कुआं खोदा जिसमें से पीने लायक मीठा पानी निकला। आज भी वो कुआं इस गुरुद्वारे में स्थित है। अब हम बात करेंगे गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह जी या गुरुद्वारा मंडी साहिब की। ये गुरुद्वारा साहिब मंडी शहर में स्थित है। माना जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी मंडी के शासक राजा सिद्ध सेन के आमंत्रण पर इस क्षेत्र का दौरा करने आए थे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी 6 महीने से कुछ अधिक समय तक यहाँ रुके थे। उनका तंबू पास ही ब्यास नदी के किनारे स्थापित किया गया था, जबकि राजा के परिवार ने गुरु जी के माता जी को महल में निवास करवाया था। जब गुरु गोविंद सिंह जी मंडी छोड़ने वाले थे तब राजा सिद्ध सेन ने उनसे पूछा कि अब मंडी को कौन बचाएगा और कौन उनकी औरंगजेब की क्रूरता से रक्षा करेगा। इस बात को सुनते ही श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बंदूक से नदी में तैरते हुए एक मिट्टी के घड़े पर निशाना साधा और गुरु जी ने एक गोली दागी और उस घड़े में छेद कर दिया। लेकिन उस छेद के बाद भी वो घड़ा नीचे की धारा में तैरता रहा। गुरु जी ने अपने उत्तर को लागू कराने के लिए एक रूपक के रूप में तैरते हुए घड़े का इस्तेमाल किया और राजा से कहा, जैसे बची ये हंडी वैसे बचेगी तेरी मंडी, जो मंडी को लूटेंगे आसमानी गोले छूटेंगे। गुरु जी का कुछ सामान अभी भी यहाँ संरक्षित है, जैसे कि एक बिस्तर, एक रबाब, एक तलई
एक बंदूक और एक गन कुप्पी। मंडी में रहने के दौरान ब्यास नदी में एक चट्टान भी है जिस पर गुरु साहब को अक्सर ध्यान में बैठने के लिए भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे पीपल ट्री श्री बाबा अल मस्जिद साहिब गुरुद्वारे के बारे में। ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब उत्तराखंड के नानक मत्ता नगर में स्थित है। इस क्षेत्र के लगभग हर जगह के पीछे एक अविश्वसनीय कहानी है जो इस स्थान को बहुत पवित्र बनाती है। माना जाता है कि एक सूखे हुए पीपल के पेड़ के नीचे गुरु नानक देव जी ने ध्यान लगाया था और अपने पवित्र शक्तियों के साथ इस पेड़ को हरा भरा कर दिया था। जब एक बार योगियों ने उन्हें इस दुर्गम स्थान पर विशेष रूप से सर्दियों में ध्यान करते देखा तो वो ईर्ष्या से भर गए और गुरु जी को परेशान करने के लिए उन्होंने अपने मनोगत शक्तियों से उस पेड़ को उखाड़ने की कोशिश की। जैसे ही पेड़ निकलना शुरू हुआ, गुरु नानक देव जी ने पेड़ की जड़ों पर अपना हाथ रख दिया। आज भी जमीन के ऊपर पेड़ों की जड़ों को देखा जा सकता है। बाद में बाबा अलमस जी इस जगह में सेवा कर रहे थे। फिर से गोरख मट्टों ने बाबा अलमस जी को परेशान किया, उन्हें यहाँ से निकाल दिया और इस जगह पर कब्जा कर लिया। सिद्धों ने पीपल के पेड़ में भी आग लगा दी। बाबा अलमस जी ने श्री गुरु हर गोविंद साहिब जी को संदेश भेजा। बाबा अलमस जी के अनुरोध पर श्री गुरु हर गोविंद साहिब जी इस स्थान पर आए और उन्होंने जल में केसर मिलाकर इस पेड़ पर छिड़का और उसे फिर से जीवित कर दिया। कुछ हिस्सों पर पीपल के पेड़ को जला हुआ महसूस किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे गुरुद्वारा बावली साहिब की। गुरुद्वारा बावली साहिब उत्तराखंड में स्थित नानक मट्टा गुरुद्वारा से लगभग 2 किलोमीटर दूर घाघरा नदी के तट पर नानक सागर बांध के पास स्थित है। माना जाता है जब योगियों के गुरु नानक को हराने के सारे प्रयोजन असफल हुए तब उन्होंने गुरु जी को कहा कि पूर्वी के दिन आ रहे हैं और हमें गंगा में स्नान करवाओ। उस समय गुरु जी ने भाई मर्दाना जी को एक फावड़ी देकर कहा कि जाओ पर्वतों से गंगा नदी ले आओ और आज्ञा दी कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। भाई मर्दाना जी फावड़ी से लकीर खींचते हुए इस जगह तक आ पहुंचे और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर देख लिया, गंगा यहीं रुक गई। तब गुरु नानक देव जी ने योगियों से कहा कि हम गंगा को यहाँ तक ले आए हैं, आगे आप ले जाइए। योगियों ने अनेकों यत्न किए पर वो गंगा को आगे ना ला सके। आज इस जगह गुरुद्वारा बावली साहिब सुशोभित है। अब हम बात करेंगे गुरुद्वारा दूध वाला कुआं साहिब के बारे में। ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा उत्तराखंड के नानक मत्ता नगर में स्थित है। माना जाता है कि योगियों और सिद्धियों ने अपने योग शक्तियों से इस इलाके की सारी भैंसों और गायों का दूध सुखा दिया था और गुरु जी जो एक कुएं के पास बैठे थे उनके पास जाकर कहने लगे, गुरु जी हमें दूध पिलाओ। तब गुरु जी ने भाई मर्दाना जी से कहा कि कुएं में से दूध का कटोरा भर कर सिद्धियों को दो। भाई मर्दाना जी ने जब गुरु जी के वचनों को सत्य मानते हुए कुएं में से कटोरा भर के योगियों और सिद्धियों को दिया तो वो हैरान रह गए। सब सिद्धियों ने उस कटोरे में से जी भर कर दूध पिया लेकिन तब भी उन्होंने वो कटोरा दूध से भरा पाया। हैरान होकर जब सिद्धियों ने कुएं में झांका तो उन्होंने देखा कि कुआं तो दूध से भरा है। इस तरह सिद्धियों को गुरु जी के आगे झुकना पड़ा। उस समय से इस कुएं को दूध वाला कुआं कहा जाता है और इसके किनारे गुरुद्वारा साहिब बनाया गया। अब हम बात करेंगे गुरुद्वारा पौड़ साहिब की। गुरुद्वारा श्री अनंतपुर साहिब से थोड़ी ही दूर पर स्थित हिमाचल प्रदेश के सीमा के पास बिलासपुर जिले के एक छोटे से गांव बसंतपुर में है ये गुरुद्वारा साहिब। माना जाता है कि इस स्थान पे श्री गुरु गोविंद सिंह जी के घोड़े ने अपना पांव धरती पे मारा और यहाँ से खारे पानी का स्रोत प्रकट हो गया। यहाँ आज भी निकलता है ये पवित्र जल जिसे ग्रहण करने के लिए संगत दूर दूर से आती है। ये थी कुछ ऐतिहासिक गुरुद्वारों की कहानी। आशा करते हैं कि आप इन गुरुद्वारों के दर्शन करके अपना जीवन सफल करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और संगत इन गुरुद्वारों के दर्शन कर सके। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।